मेरी कमर ये ना तो ये देखो मेरा यहाँ पे कौन आ जाए कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ हेलो भाइयों और बहनों <laughs> तो अभी मैं आपको ना एकदम पांच मिनट जुगाड़ वाला मेकअप दिखाने वाली हूँ जो मेरा है मतलब जुगाड़ से पांच मिनट में कैसे रेडी हो जाऊँ पता नहीं आवाज अच्छी आ रही है नहीं आ रही है बताओ तो माइक लगा लू मैं मैं सोच रही हूँ माइक लगा लेती हूँ नहीं लगा लू एक माइक को मैंने अभी निकाला एक गुम कर दिया इसमें दो रहते हैं ये मेरा माइक है तो चलो स्टार्ट करते हैं मैं सोच रही हूँ माइक लगा लूँ आप लोगों को अच्छी आवाज आएगी तो बस एक मिनट देना सिर्फ एक मिनट चाहिए मुझे आपके और माइक लगेगा तो स्टार्ट हो जाएगा मेकअप डोंट नो ये स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा है चार्जर नहीं है क्या है इसमें चोल भाई क्या करा के पाने का बेची थी <laughs> कनेक्ट हो गया आप सोच रहे हो कि मैं ये क्या कर रही हूँ मेकअप लगा रही थी कि रिमूव कर रही थी एक्चुअली मैंने ना प्राइमर लगा लिया था और मैं अब उसे निकाल रही हूँ इसलिए क्योंकि मेरे ना शूट करने का मतलब प्ले... ए, ए, क्या बोल रही हूँ शूट वाला बटन ही नहीं दबाया और मैं कुछ भी बोलती चली गई आप लोगों से और मेरा कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ को प्राइमर जो लगाई थी मैं रिमूव कर रही हूँ और उसको दोबारा से दिखाऊंगी आप लोगों को मेहनत कर रही हूँ मेहनत चलो ठीक है अभी फिर से मैं बताऊंगी मेरे वैसे सारी ब्लेवरिंग ऑलरेडी कर चुकी हूँ लेकिन फिर से कर रही हूँ मुझे लग रहा है मैंने ये भी नहीं बताया मैंने अच्छा ठीक है ये बैंड लगा लिया है और सारी ब्लेवरिंग फिर से कर अब नहीं करूंगी तो मैं ना यूज कर रही हूँ अच्छा मैं क्या बोल रही थी प्राइ हाँ माई गॉड स्टार्टिंग से बोलना पड़ेगा ठीक है मैं बोल रही थी कि मेकअप स्टार्ट करने से पहले स्किन केयर जरूरी है लेकिन अगर जुगाड़ वाला मेकअप करना है ना तो कुछ ऐसा होना चाहिए जो क्विक होना चाहिए एकदम ये नहीं कि मतलब चार पांच चीजें मतलब मॉइस्चराइजर लगाओ फिर सनस्क्रीन लगाओ फिर सिरम लगाओ और क्या क्या लगाओ प्राइमर लगाओ इतनी सारी चीजें लगाओ तो उसका जुगाड़ ये है कि आप ऐसे कहाँ जा रहा है ये कहा जा रहा है भाई इधर रहे तो इसका जुगाड़ ये है कि आपको ऐसा प्रोडक्ट यूज करना चाहिए जिसमें सनस्क्रीन मॉइस्चराइजर सीरम ये सारी चीजें एक में ही हो ऐसा ही एक प्रोडक्ट मुझे रिसीव हुआ जो कि कोलैबोरेशन में ब्रांड ने भेजा है मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ क्योंकि उनके लिए मुझे रील शूट करनी थी वो मैंने ऑलरेडी कर दी है यहां पे उनका कोई ऐसा नहीं है रिक्वेस्ट लेकिन स्टिल मैं बता रही हूँ ये वाला जो सनस्क्रीन है इस पे फिफ्टी है मॉइस्चराइजर है सिरम है तो तीन चीजें एक में हो जाती है तो जुगाड़ का मेकअप करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है भाई तू इधर रुक जा जुगाड़ का मेकअप करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आपको ऐसी प्रोडक्ट यूज करनी जिसमें ये तीनों चीजें हो तो आपका जो स्किन केयर वाला काम है ना वो एक एक ही स्टेप में हो गया सनस्क्रीन भी हो गया मॉइस्चराइजर भी हो गया सीरम भी हो गया ठीक है तो मैंने वो ऑलरेडी लगा रखा है और मेरी स्किन लिटरली बहुत स्मूथ लग रही है उसको लगाने की वजह से अब मैं यूज करूंगी मेरा ये जादुई प्रोडक्ट लिटरली ये जादुई है बिकॉज इस ये ना एक प्राइमर है लेकिन ये हाईलाइटिंग प्राइमर है और इसका मैजिक आप ही देखो एक मिनट में मतलब इसको लगाते ही ना ऐसे दमदमाती चमचमाती हो जाऊंगी मैं अभी देखना आप सिर्फ एक मिनट में अब थोड़ा सा ही लगाना है कोई बहुत ज्यादा भर भर के नहीं लगाना है तो ये तो मैं जरूर लगाती हूं देखना कैसा चमकेगा चेहरा इसको लगाते ही देखा चमक ओ भाई मतलब इसकी तो मैं लिटरली फैन हूं यार सीरियसली oh, देखो इतना मस्त वाला ग्लो देता है ये प्राइमर तो सेकेंड स्टेप हो गया हमारा अच्छे से लगा लेना है पूरा एकदम ऐसा नहीं फील होना है अब मैंने ना ये हॉल्टर नेक पहना है तो मैं ज्यादा गर्दन तक नहीं कर पा रही हूँ लेकिन आप थोड़ा नीचे तक करना ऐसा कोई ड्रेस पहनना तो ठीक है अभी ये एकदम डोईशा फिनिश ऑलरेडी दे दिया है अगर मैं चाहूँ ना तो मैं तो सिर्फ इसके ऊपर ही ब्लश लगा के और पाउडर से सेट से करके लिपस्टिक लगा के फिनिश कर सकती हूँ लेकिन नहीं हम लोग नो फाउंडेशन वाला मैं बोल रही हूँ नो फाउंडेशन का करना है तो उसकी जगह पे मैं यूज़ करूंगी बी बीबी क्रीम मैं पॉन्स का बीबी -बी क्रीम यूज़ करती हूँ और आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हो लेकिन जैसे फाउंडेशन नहीं लगा रहे हो ना तो बीबी क्रीम लगाओ बहुत अच्छा है इससे ना लाइट लाइट सा लगता है ऐसा नहीं लगता कि आपने फेस पर कुछ भी लगाया तो इसको मैं ऐसे थोड़ा थोड़ा करके पहले थोड़ा थोड़ा डैब करती हूँ ऐसे उसके बाद ना थोड़ा सा मसाज भी तो अंडर आईज में जरूर लगाना डार्क सर्किल वगैरह अगर है तो वो ना थोड़े थोड़े तो थो हाइड हो जाते हैं अच्छा हाँ मेरे ना डार्क सर्किल से मुझे याद आया कि मेरे डार्क सर्किल आजकल एकदम कम हो गए हैं तो मैंने ना एक नया प्रोडक्ट नया प्रोडक्ट नहीं ये पूरा किट यूज करना स्टार्ट किया था विच इज क्योर स्किन का प्रोडक्ट भाई तू रुक जा यार तेरे को कितनी बार बोल चु ठीक है क्योर स्किन का प्रोडक्ट यूज कर रहा है तो वो वीडियो यहाँ पे पूरी मिल जाएगी पूरा रिव्यू एंड स्टेप्स मैंने बताए हैं काफी अच्छा मेरे ऊपर वर्क कर रहा है तो आप वो वीडियो जरूर चेकआउट कर लेना आपको अगर स्किन रिलेटेड कोई इश्यूज़ है तो डेफिनेटली थोड़ी हेल्प हो जाएगी आपकी अच्छा ठीक है अभी आते हैं अपने काम की बात पे तो बीबी -बी क्रीम जरूर लगाना है क्योंकि क्विक होता है एकदम लाइट होता है बिल्कुल फाउंडेशन फाउंडेशन लगेगा गर्मियों में तो बेस्ट है गर्मियों में वैसे तो ना भी लगाओ तो चल जाएगा प्राइमर लगा लो मोशन उतने में ही चल जाता है ठीक है लेकिन बीबी -बी क्रीम लगा लोगे तो थोड़ा सा और ऐसा लगता है ना कि आपने अच्छा अच्छा मेकअप किया है तो बीबी -बी क्रीम हो गया अभी थर्ड है बहुत ही ईजी देखो मैं सिंपल सिंपल बता रही हूँ एकदम ठीक है मेरे पास में ना जैसे ऐसे वाले भी ब्लशर है लेकिन ये सब नहीं लगाना है क्विक अगर करना है तो ये मेरे पास में टैक का टेंट है जो मेरा वन ऑफ फेवरेट है देखो मेरे कितना खत्म किया है तो समझ लो कि मैंने इसको कितना लगाती हूं इसको बस ऐसे नॉर्मल थोड़ा थोड़ा अभी इतना गुलाबी दिख रहा है थोड़ा सा नोज पे भी लगाते हैं क्योंकि फिर वो इक्वल फिनिश लगता है जैसे ये नहीं लगता कि केवल ये ये अलग से पिंक है वो पूरा लगता है इसलिए लगाते हैं ठीक है अब इसको ना मैं हाथ से ही ऐसे ऐसे थोड़ा सा ब्लेंड करने कुछ ज्यादा ही लालो गई कोई बात नहीं सब अभी सेट हो जाएगा तो बस ऐसे करके ये मेरा तरीका है मैं इस तरह से यूज करती हूँ मतलब ब्रश को यहाँ से यहाँ पे मतलब सिर्फ इस एरिया में इस वाले एरिया में नहीं इस, इस क्या होता है तू तू तो रुक जा भाई इस वाले एरिया में नहीं ऐसे प्रॉपर यू वाला जो शेप होता है ना एक तरह से वो वो मैं करती हूँ और देखो ये इक्वली तो अभी ना ये मेरे स्किन पे ना एकदम मेल्ट हो जाता है अभी जैसे थोड़ा ज्यादा रेड रेड दिख रहा है क्योंकि तो थोड़ी देर बाद ना एकदम मेल्ट हो जाएगा जब तक कि ये सेट हो रहा है अभी जुगाड़ वाला स्टेप देखो क्या जुगाड़ करती हूँ मतलब मैं हमने कोई कंसीलर नहीं लगाया कोई फाउंडेशन नहीं लगाया लेकिन अंडर आईज मतलब फिर बाद में ग्रे ग्रे लगने लगती है तो उसके लिए एक मतलब स्टेप है जो सबसे बेस्ट है मतलब मैं तो बिल्कुल लिटरली उसके लिए आपको करना है बेकिंग यस केक नहीं बेक करना है फेस बेक करना है अंडर आइस बेक करनी है क्या करना है लूज पाउडर लेना है कॉम्पैक्ट mm, ले लो या लूज ले लो जो भी आपके पास है मेरे पास में कॉम्पैक्ट है और देखो मैं पागल मिरर लेके ही नहीं बैठी हूँ लेके बैठी हूँ मतलब तो उधर सुला रखा है इसको ठीक है अभी क्या करना है लूज पाउडर ले लिया थोड़ा सा मैंने यहाँ पे अंडर आइस को बेक करना है कैसे करना है ऐसे लगा के ना थोड़ी थोड़ी देर पर थोड़ी थोड़ी देर नहीं थोड़ी थोड़ी दूर पे कॉम्पैक्ट को लगाना है हम्म, देखते हैं कैसा ओके अभी मैं पूरा भूत लग रहा हूं डरना <laughs> नहीं भाइयों एंड बहनों ओ माई गॉड तो ऐसा करके ना ये पूरा करना है एंड जैसे आपको हाईलाइटर यूज नहीं करना ना तो ये इस तरह से लगाओ जो भी एरिया आप हाईलाइट करना चाहते हो ना वहां वहां पे बेकिंग करो रश्मि ये बहुत सही लगता है बिल्कुल भी डरना नहीं नोज पे भी थोड़ा सा ठीक है मतलब ये आपको ना फॉर पे बहुत जरूरत नहीं होती है उसको रहने दो चाहे तो उसको छोड़ दो मैं भी नहीं लगा रही हूँ हटा रही हूँ ठीक है सिर्फ इतनी बेकिंग करो ठीक है सिर्फ इतनी बेकिंग करो क्विक वाला जो मैं बता रही हूँ आपको इवन अपराइज करने की जरूरत नहीं है उसका क्योंकि उसका भी एक मतलब फायदा है अपराइज अगर आपकी डार्क भी है ना अपर लीड क्या बोलते हैं अरे कहना क्या चाहते हो आईलिड अपर वाली अगर डार्क भी है ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी जब तक कि ये बेक हो रहा है आपको क्या कर कर लेना है है फटाफट -फड़ से अपनी सेट कर लेनी है। ये जुगाड़ वाला मेकअप ना मेरा बहुत सही होता है और लोगों को लगता है कि मैंने बढ़िया फाउंडेशन वाउंडेशन लगाया है अच्छे से तैयार हुई हूँ लेकिन ऐसा कुछ नहीं रहता है मेरा ये जुगाड़ू मेकअप रहता है मेरे पास में ना ये स्विस ब्यूटी का आईब्रो सेटिंग पैलेट है बहुत सही है भाई ये मतलब मेरे पता नहीं कितने सालों से खरीदा हुआ है मैंने कितने सालों से खरीदा नहीं कितने सालों पहले खरीदा था और अभी तक मेरे पास में है तो इसमें क्या करना है अभी जैसे ना पूरा आईब्रो सेट करना ये वो मेरी थोड़ी आईब्रो यहाँ पे कट करनी चाहिए लेकिन मैंने नहीं की है कोई बात नहीं कुछ करना नहीं है नॉर्मल आपको ना थोड़ी सी फिल करनी है और कैसे फिल करनी होती पूरा नहीं फिल करो क्या करो तो देखो ये वाला पार्ट मत टच किया करो अगर यहाँ पे लगाओगे ना कुछ भी तो बहुत ज्यादा सा लगता है कि आपने कितना कितना लगा लिया तो क्या करो नीचे से स्टार्ट करो केवल और नीचे में थोड़ा सा पहले लगा लो ऐसे हल्का सा ठीक है हल्का सा और उसी को स्प्रेड कर लो पूरे में एक ही बार लेना है मतलब बार बार मत लेना प्रोडक्ट वरना ऐसा लगेगा ना बहुत ज्यादा आपने यूज कर लिया है एक बार ऐसा कर लिया और सिर्फ नीचे अगर फ्रंट पे लगाना भी है ना तो सिर्फ नीचे की साइड में ठीक है अभी देखो एकदम से सेट से सेट सा हो जाएगा अभी रुके अभी मतलब हम लोग इसको सेट भी करेंगे अब इसको सेट कैसे कर करेंगे जो भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है ना पहले उसको तो हटा देते हैं ब्रश से मैं इसको हटा रही हूँ मेरे पास स्पूली एक होना चाहिए स्पूली नहीं है अगर स्पूली नहीं भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मैं इसी वाले ब्रश से फिर पूरा जो भी एक्सेस प्रोडक्ट था ना उसको हटा के मैं इससे ही ना अब पूरा यहाँ पे इसको ऐसा वर्टिकल थोड़ा सा वर्टिकल में ये देखो कि ज़्यादा जिससे कि लगे भी नहीं कि हमने बहुत ज़्यादा ज़्यादा लगा लिया है और हमारी आईब्रोज भी एकदम मस्त सेट हो जाए जुगाड़ वाला यार हम लोग को ऐसा तो नहीं आता ना एकदम ब्यूटिशियन जैसा तो हमारे लिए तो ऐसा जुगाड़ ही काम करता है तो देखो मेरी आईब्रो कितनी थिक और ऐसे अच्छी वाली शेप में लग रही है ना अभी एकदम तो ये जुगाड़ है ये वाले को देखो इसको देखो अजीब हो गया <laughs> कोई बात नहीं अभी मैं पहले ये वाला कर लेती हूँ दूसरा वाला भी हैं ये क्या कर दिया मैंने थोड़ी ठीक हो गई क्या नहीं ठीक नहीं हुई है अभी जब मेकअप कंप्लीट होएगा ना तो अच्छा लगेगा ठीक नहीं हुई है ठीक है अभी हल्का हल्का इसको भी सेट कर लिया मैंने और एक्सेस वाला हटा के फ्रंट वाला सेट कर दूंगी मैं एक्सेस वाला हटा के फ्रंट वाला ऐसे ऊपर की साइड में सेट करती हूँ हमेशा मैं कि थोड़ा सा ऐसा लगे कि हाँ थोड़े तो एफर्ट लगाए हैं और मुझे ना ऐसे अपनी आईब्रोज नेचुरल लुकिंग अच्छी लगती हैं तो भाई अभी रुक जाओ गर्मी पंखा बंद कर रखा है मैंने मेरे पास ए सी नहीं है इस रूम में दूसरे वाले रूम में है लेकिन वहाँ पे पूरा मिस फैला रखा हुआ है तो इसलिए यहाँ पे कर रहे हैं अभी सिर्फ जुगाड़ क्या है अभी हो गया ना ये अब क्या करना है कि मेरी कमर भाई मैं बूढ़ी होती गई अब आई नीड पिलो क्योंकि लिटरली मेरी बैक पेन कर रही भाई बहुत तेज ठीक है हाँ, अभी क्या करना है ना सारा ये जो लगा रखा है ना इसको डस्ट ऑफ करना है करना क्या है मतलब यहां से पूरा ये तुम्हारी अंडर आइज अंडर आईज सेट हो जाएंगी अंडर आई अंडर आईज सेट हो जाएंगी और इसको ना ऐसे ऐसे डैप डैप करके बाकी जो एक्सेस वाली चीज है ना उसको नीचे की सेट मतलब से फेस पे तो अभी ना पूरा एक्सेस वाला पाउडर जितना था ना मैंने उसको फेस पे सेट कर लिया है अच्छे से तो इस वाले एरिया में मैंने कोई पाउडर नहीं अप्लाई किया था और एकदम नेचुरल क्योंकि ऐसे की केकी -केकी जो लगता है ना वो एक्स्ट्रा पाउडर एक्स्ट्रा मेकअप की वजह से लगता है और अंडर आईज भी देखो मेरी कितनी मस्त सेट हो गई है एकदम अभी थोड़ा यहाँ पे व्हाइट व्हाइट लग रहा है काजल एंड मस्कारा वगैरह लगाऊंगी फिनिश हो जाएगा एकदम तो ये मेरा जुगाड़ है और जैसे ये पिगमेंटेड जो आईज है ना ये एकदम आई शेडो वाला काम करती है तो इसलिए उसके ऊपर ना तो मैंने बीबी -बी क्रीम लगाया ना ही कोई कंसीलर वगैरह लगाया जरूरत ही नहीं पड़ेगी ठीक है तो बस इसको सेट कर लिया आईब्रोज भी हो गई है तो देखो तो तो मेरी आईब्रोज कितनी नेचुरल लग रही है और बस हमारा जुगाड़ वाला मेकअप तो ब्लश भी देखो अभी एकदम सेटल डाउन हो गया है और जुगाड़ वाला जी क्या करना है आईज पे थोड़ा सा करना है ना तो आई हाँ मतलब आईज पे थोड़ा सा करना होता है एंड तो आईज पे मैं क्या करूंगी मैं ये काजल मेरी हुडेड़ वाली आईज है ना तो चाहो तो विंग लाइनर लगाओ अदरवाइज ना आईज के लिए मैं ये काजल लगा रही हूँ कौन सा काजल है ये मैग्नेट फेसेस कैनेडा का काजल है मैग्नेट क्या लिखा हुआ है फेसिस कैनेडा का काजल है अब इससे मैं टाइट लाइनिंग करती हूँ टाइट लाइनिंग कैसे करते हैं ये ऊपर की आईज पे यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना कुछ लाइने वाइनर नहीं लगा फिर भी ये वाली आईज में और ये वाली आईज में डिफरेंस देखो तो ये ना एक हैक है इसको अच्छे से लगाओगे ना तो आईज गहरी गहरी लगती है बड़ी का नहीं पता लेकिन गहरी लगती है ठीक है अभी देखो तो इस तरह से मैं अपना आई मेकअप फैल गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसे करके मैं लगाती हूं तो ये हो गया अंदर से मैंने लगाया है और देखो आई कैसे एकदम ओपन अप हो गई ना तुरंत मैं बोल रही थी आप लोगों से और चाहो तो आप नीचे पे लगा सकते हो वैसे मैं लगाती नहीं हूँ और अगर लगाना भी है ना तो मैं ऐसे अपने हाफ वाले साइड पे लगाती हूँ मतलब मैं पूरा यहां तक नहीं लगाती क्यों नहीं लगाती हूँ क्योंकि मेरी आईज है और छोटी छोटी है मतलब बड़ी बहुत नहीं है मीडियम है वो छोटी भी नहीं है लेकिन मतलब हुडेड है तो मैं इसको पूरे यहाँ तक काजल इसलिए नहीं लगाती क्योंकि फिर वो मेरी आईज को पैक कर देता है और छोटा दिखाता है तो मैं क्या करती हूँ सिर्फ आउटर कॉर्नर पे यहां पे लगाती हूँ काजल ठीक है और स्मोकी वाला अगर लुक चाहिए तो इसी को ना समझ कर लेते हैं लेकिन अभी मैं कोई स्मोकी लुक नहीं कर रही हूँ तो फिलहाल मैं सिर्फ इतने पे छोड़ूंगी तो जो क्विक मेरा होता है गो टू वाला जो मेरा है कि मतलब कहीं जाना है तो फटाफट फड़ से कैसे करना है तो वो हो गया अब इसके बाद में ना बस मैं लैसेस को कर्ल करके मस्कारा लगा लूंगी वन मिनट भाई मतलब ये वाला स्टेप मुझे बहुत पसंद नहीं है लिटरली मतलब ठीक है चल जाता है अच्छा एक मिनट हाँ मैं एक और जी हाँ जैसे कि अगर आप चाहो तो आई लगाओ नहीं लगाओ लेकिन मेरे पास में ना एक एस, ये शुगर वाला आई इसके सारे कलर मुझे बहुत पसंद है तो इसमें से ना एक कोई सा भी ब्राउन ले लो या कुछ भी ले लो मेरे को तो ब्राउन पसंद है या गोल्डन जो भी तो मैं एक ऐसा शिमर लाइट सा और मैं कोई ऐसा बहुत ताम नहीं करती हूँ जल्दी जल्दी से हैक है मेरा बस ऊपर की ये वाली जो लिड है ना यहाँ पे अप्लाई गए थोड़ा सा चमकने के लिए तो ऐसा लगता है ना कि आपने कितना एफर्ट लगाया है लेकिन लिटरली आपने सिर्फ पांच पांच मिनट सात मिनट लगाए होते हैं लेकिन दूसरों को लगता है कि आपने बहुत एफर्ट लगा के मेकअप किया है <laughs> तो ऐसा होता है बस अब यहाँ पे जो थोड़ा सा शिमर लगा लेने से एकदम मस्त वाला हाईलाइट हो जाता है और मेरा एक और मतलब है, है अब इसी से ना मैं थोड़ा सा मतलब ये तो हो गया थोड़ा सा शेडो में अपनी आईज के नीचे भी लगाती हूँ यहां पे भी थोड़ा थोड़ा सा सेम वही वाला जो मैंने ऊपर लगाया है वो मैं नीचे भी लगाती हूँ एकदम ये देखो ये वाला पैलेट है इससे मैं ये वाला कलर लगा रही हूँ किधर जा रही हूं ये वाला कलर लगा रही हूं और उसको सेम अपने नीचे वाले इससे लगेगा ना कि मैंने बड़ा एफर्ट लगा के मेकअप किया है अब ये हो गया और हाइलाइटर अगर यूज करना चाहो तो मतलब मैं करती हूं मैं करती हूँ आपको करना चाहिए नहीं करना चाहिए पता नहीं लेकिन वो भी मेरा जल्दी जल्दी वाला ही रहता है कि मतलब जल्दी से कैसे करना है और उसका भी मेरे पास में हैक है मतलब मैं क्या करती हूँ अपना ये लिटिल फिंगर लेती हूँ ठीक है उससे मैं अपनी इनर कॉर्नर्स पे यहाँ पे ठीक है ये हो गया मेरा इनर कॉर्नर्स पे मैंने लगाया थोड़ी सी अपनी आईब्रो के ऊपर यहाँ पे हाईलाइट करने के लिए तब जुगाड़ वाला मतलब कि तो कि अच्छा मेकअप किया, किया होता है लेकिन ये बात है कि ये जो मेकअप होता है ना ये मेरी पिक्चर्स में और मेरी वीडियोस में और ऐसे भी जब भी मैं करती हूँ ना तो बहुत अच्छा दिखता है और थोड़ा सा मैं नोज की टिप पे कितनी ग्लोई फेस है आपकी वाह क्या फेशियल करवाया वैसे फेशियल तो मेरे एकदम सूट ही नहीं करता है लिटरली और यहां पे 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 टिप और एक यहां पे थोड़ा सा लगाती हूँ मैं कि जैसे लगे हाँ, कि हाँ कितना ग्लो है और ये जो हाइलाइटर वाला चीज है ना ये आप स्किप कर सकते हो दिन के लिए ये रात के हिसाब से है वरना दिन के लिए आप इसको स्किप कर सकते हो और थोड़ा सा मतलब हाथ दिन के लिए स्किप कर देना दिन पे ना थोड़ा सा नहीं अच्छा लगेगा क्योंकि वैसे भी आपने और यहाँ यहाँ पे मैंने थोड़ा थोड़ा लगाया है ठीक है ये देखो और जैसे मैं हंसती हूँ ना तो ई ये देखो मेरा यहाँ पे हाईलाइट होता है ई <laughs> यहाँ पे हाईलाइट होता है तो मैं यहाँ पे लगाती हूँ जैसे यूजली हाईलाइटर लोग ऐसे लगाते हैं लेकिन मैं यहाँ पे लगाती हूँ और उसको ब्लेंड करते करते यहाँ पे ले जाती हूँ ऐसा ठीक है तो ऐसा कुछ है तो ये मैंने मतलब तो नोटिस किया था जब मेरा शादी हो रहा था ना तो हाइलाइटर जब मुझे लगाया गया था तो मैंने उनसे पूछा था एक्चुअली कि ऐसा क्यों तो उन्होंने भी मुझे ये बात बताई तो मुझे समझ में आया ओ ये वाली बात है ठीक है अभी देखो तो मेरी नाक कितनी मस्त चमक रही है एंड ऐसा लग रहा है कि कितना ग्लैम ग्लैम मेकअप किया है अभी लिपस्टिक नहीं लगाया जब तक लिपस्टिक नहीं लगाओ लगा तब तक फेस ना एकदम भूत जैसा लगता रहता है तो पहले मैं मस्कारा लगा लेती हूँ और फिर लिपस्टिक लगा के मेकअप फिनिश करेंगे हम लोग अच्छा ये वाला जो मस्कारा है ना ये सुगर का है यार मुझसे ना ऐसे बाहर -बाहर ही मस्कारा लग पाता है और मेरे पास लिटरली लैसेस हम्म नहीं है मेरे पास में लैसेस बट जो है उन्हीं से कम चला लेंगे अच्छी अच्छी लग रही है, अच्छी लग रही रही है है भगवान को सब भर भर के लैसेस देते हैं और हम लड़कियों को क्यों नहीं देते अभी देखो को मैंने कोई लाइनर नहीं लगाया है और ये मस्कारा आप चाहो तो नीचे पे भी मैं लगाती हूँ कभी कभी लगाती हूँ मेरा ऐसा मूड पे है मैं नीचे हमेशा नहीं लगाती हूँ यार करते टाइम ही ये सब क्यों होता है मेरे साथ में ठीक है मैं नीचे की साइड में भी लगा रही हूँ अभी एक मिनट आ रही हूँ अच्छा जब तक मैं ये शूट कर रही थी तो मेरे फिर लिप पे लिप टेंट लगा हुआ था तो पिंक पिंक दिख रहा था तो वो कलर मैंने रिमूव कर दिया प्रॉपर इससे और अब मैं एक न्यूड शेड लगाऊंगी ये मेरा गोटू है मतलब तो मुझे यही पसंद है और ये उसका है किसका है ये पॉपक्सो पॉपक्सो माइक ग्लैम ठीक है तो न्यूड कलर मुझे ज्यादा पसंद है और ऐसे ना थोड़ा 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 मैं ऐसे स्प्रेड करती हूँ फैला के लगाती हूँ मतलब पूरा सा शेप में ज्यादा नहीं लगाती हूँ कि थोड़ा नेचुरल लगे अभी इसको निकालते हैं और दिखाती हूँ फाइनल लुक एक मिनट में बस हियर आई एम विथ माई फुल मेकअप और कैसा डुई और एकदम ग्लोई ग्लोई मेकअप ग्लोई 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 मेकअप हो गया और एकदम पार्टी रेडी तो इस तरह से मैं अपना पाँच मिनट का मस्त वाला मेकअप करती हूँ और लोगों को लगता है कि मैंने कितना सारा एफर्ट लगा के मेकअप किया है और शूट करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया वैसे अदरवाइज़ मैं जल्दी जल्दी जब करती हूँ तो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और हेयर्स तो ऐसे ही रख रही हूँ क्योंकि अभी छोटे हो गए बाल तो ऐसे ही अच्छे लगते हैं दिस इज़ माय फाइनल लुक और कमेंट में बताना कि कैसा लगा ये मेरा जुगाड़ वाला पार्टी वाला मेकअप और, और कितना सही लग रहा है ना चमचम चमचम तो इस पे ना किसी भी दूसरे आउटफिट पे भी अच्छा लगेगा ऐसे तो भी मैंने सिंपल सा टॉप डाला है लेकिन किसी दूसरे आउटफिट पे भी बहुत सुंदर लगेगा वीडियो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा एंड वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना फॉर वॉचिंग ऑल दी अपकमिंग वीडियोस एंड आई सी यू नेक्स्ट टाइम टिल देन टेक केयर एंड बाय